अगर वो व्यापारी थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखाता तो आज वो कुछ ऐसे बदमाशों के कब्जे में रहता जो उसकी जान की कीमत लगा सकते थे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उन किडनैपर्स को चकमा देने में कामयाब रहा जो पैसों के लिए उसे अगवा करना चाहते थे। खबर कोटा से है जहां एक व्यापारी को अगवा करने की कोशिश की गई मगर वो बचने में कामयाब रहा, वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े एक व्यापारी को अगवा करने की कोशिश की गई। तस्वीरों में जिस व्यापारी को आप देख रहे हैं उसका नाम है महेंद्र, और महेंद्र को किडनैप करने के लिए बकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन आज महेंद्र अगर आजाद है तो अपने साहस के बदौलत। व्यापारी महेंद्र को उनकी कार में ही बाइक सवार बदमाशों ने अगवा करने की कोशिश की। इस दौरान व्यापारी से सोने की चैन और मोबाइल भी लूट लिए गए। व्यापारी ने खुद की गाड़ी से कूद कर अपने आप को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किसी तरह बचा लिया। बड़ी बात ये रही कि व्यापारी के पास अपहरण से कुछ देर पहले 15 लाख रुपए थे, लेकिन व्यापारी ने वो पैसे कुछ देर पहले अपने दोस्त को दे दिए थे जिससे वो पैसे लूटने से बच गए। भंडारी स्टेशनर के सामने वेदांता प्रॉपर्टी के ऑफिस में, वहाँ जैसे मैं उतरा, एक मनोहरलाल सिंधी करके वो आया, वो 6-7 जने साथ थे उसके, मेरे साथ मारपीट करी। वो मेरी गाड़ी में, जैसे मैं मेरी गाड़ी से उतरा वहाँ पर मेरी गाड़ी में डाल के वो मेरा किडनैप करके लेके जा रहे थे, और सूरज कॉल की तरफ से जा रहे थे। मैं गुमान पर चौराहे पे इंदिरा गांधी सर्किल पे उतर के, हाँ सर, किधर से आ रहे थे? वल्लभ नगर से गए थे, वल्लभ भाड़ी से, वल्लभ भाड़ी गुमान पर मेन रोड थे। ये इंदिरा गांधी सर्किल पर मैं चलती गाड़ी से कूद गया, और कूदते ही मैंने ट्रैफिक वालों को इन्फॉर्म करा, और मेरी गाड़ी और उसमें मोबाइल भी था और सोने की चेन, मारपीट करी उन्होंने मेरे साथ और वो लेके गए। दरअसल व्यवसायी महेंद्र ने अब से 2 साल पहले किसी जमीन का सौदा करवाया था, उसी को लेकर विवाद चल रहा था, और इसी विवाद में व्यवसायी के अपहरण की साजिश रची गई थी। कोई व्यक्ति है जो उसका किडनैप करके ले जा रहे हैं, और वहाँ वो इंदिरा सर्किल पे उतर गया है, ट्रैफिक वालों के पास गया है, तो मैं यहाँ से गया था तो वहाँ पर ये महेंद्र वासु ने मिल गया, इनको लेके आए हैं यहाँ पर, रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं, रिपोर्ट लिख के देते हैं, दर्ज करते हैं, मुकदमा कार्रवाई करते हैं। सर नकदी कितने की लूटने से बच गई? 15 लाख नकदी, तो ये अभी बता रहे हैं आपको भी बताया, अभी 15 लाख रुपए किसी को देना था इनको, जिसको दे दिए इन्होंने। पुलिस ने केस दर्ज कर शहर की कई जगहों पर नाकेबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अगली खबर बागपत से, जहां बागपत पुलिस की एक ऐसी तस्वीर मोबाइल में कैद हुई है जिसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये पुलिस है या फिर कोई गुंडा। दरअसल मोबाइल में कैद हुई तस्वीर बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के नवयुग कॉलोनी की है, जहां दिल्ली बस स्टैंड पुलिस चौकी पर तैनात 2 पुलिस कर्मियों ने एक रिटायर्ड फौजी की सरेआम बेरहमी से पिटाई की है, और जब सिपाही ने फौजी की पिटाई की तो खाकी के खौफ के चलते कोई भी सामने नहीं आया। शांति प्रकाश नाम के रिटायर्ड फौजी ने अवैध रूप से बन रहे एक मकान की शिकायत तहसील दिवस में प्रशासनिक अधिकारियों से की थी, जिसे अवैध मानते हुए एसडीएम ने तत्काल रोक लगाने के आदेश पुलिस को दिए थे। लेकिन आरोप है कि दोनों सिपाहियों ने मकान बना रहे शख्स से रिश्वत लेकर निर्माण नहीं रुकवाया और शिकायत करने वाले रिटायर्ड फौजी की पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी फौजी को तब तक पीटता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया, और यही नहीं, पिटाई करके सिपाही जब थक गया तो साथ आए दूसरे सिपाही के साथ मिलकर जानवरों की तरह सड़क पर घसीटते हुए पीड़ित फौजी को रिक्शा में डालकर कोतवाली ले गए। वही मामला मीडिया में आने के बाद अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। ये समाचार पत्र के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, और इसमें 2 पक्षों को 151 में बंद किया गया है। जांच करा रहा हूँ कि मारपीट की नौबत क्यों आई, जिसका 200 ओवर क्लब कार्रवाई की। मेरी मौसी का लड़का, तो वो शांति प्रकाश, तो वो पता लेने के लिए आया था। एक मेरा भांजा आ रहा था, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने तो अंधाधुंधा तो लठ बजा दिया उस पर। कितने पुलिस कर्मी इस चौकी में थे? 2 पुलिस वाले थे। क्या नाम है पुलिस वालों का? पुलिस वालों का नाम एक तो कुलदीप है, कुलदीप है, एक नाम और है, मेरे ध्यान नहीं। 2 पुलिसकर्मी थे? 2 पुलिसकर्मी थे। अच्छा, उन्होंने आते लठ बजाना शुरू कर दिया। हमने कहा बाबूजी कुछ बात है, हमें बताओ ना क्या भैया। कहने लगे बगल लड़ जाए, नहीं तो तेरे भी लठ इतने मारेंगे, याद रखेगा। और इस खबर के साथ ही तफ्तीश में आज के लिए इतना ही।